नमस्कार दोस्तों मैं कमलेश सफल अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज का टॉपिक है अलजबड़ा अल्जड़ा का है क्लास टू जिन्होंने क्लास वन नहीं देखा है सबसे पहली बात तो आप क्लास वन जरूर देखें क्योंकि क्लास वन के बाद ही आपको क्लास टू समझ में आने वाला है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा ठीक है दोस्तों तो आते हैं क्लास टू में मुझे क्या क्या बात करना है सबसे पहली बात तो ये कि आपको पहले समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे x प्लस वन बाय एक्स इजगल टू यहाँ पर कुछ भी देगा a दे दिया ठीक है या ये दो पैटर्न आदमी क्लियर करने वाला हूँ x माइनस वन बाई एक्स इजगल टू ए दे दिया ठीक है अब यहाँ क्या पूछ लेगा वो या तो पूछेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बताओ ए की जगह पर इसलिए क्लास में मैंने बताया था कि यहाँ पर सिर्फ टू होगा और यहाँ पर अब जो आने वाला है आज का वीडियो में यहाँ पर टू के अलावा थ्री फोर फाइव माइनस फाइव माइनस सिक्स मतलब कुछ भी होगा आपको स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाएगा एक्स की पावर क्यूब निकालने के लिए बोला जाएगा एक्स की पावर फोर निकालने के लिए बोला जाएगा एक्स की पावर फाइव निकालने के लिए बोला जाएगा x की पावर सिक्स निकालने के लिए कहा जाएगा आप सोच रहे होंगे कितना तक करना पड़ेगा तो मिनिमम x की पावर एट तक एग्ज़ाम में आ चुका है ठीक है तो x की पावर एट तक का ट्रिक आज आपको मैं बताने वाला हूं हो सकता है कि ये पूरा ट्रिक एक वीडियो में नहीं आएगा तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखना पड़ेगा फाइव तक जरूर आज हो जाएगा ये दो ट्रिक आपको अगले वीडियो में मिलेगा ठीक है एक्स की पावर सेवन और एक्स की पावर एट मुझे यहाँ तक का ट्रिक पता होना चाहिए ठीक है यानी x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू ए दिया हुआ है तो स्क्वायर निकालना क्यूब निकालना फोर निकालना पावर फाइव पावर सिक्स पावर सेवन पावर एट अभी तक फ़िलहाल एग्ज़ाम में ये आया है मेंस में एक बार यहाँ तक आ चुका है तो एक आप एक्स्ट्रा लेके चलो एक्स की पावर ए तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं एक्स की पावर फोर्थ तक का आपको मैंने ट्रिक डिराइव करना बता दिया कि ट्रिक से बताएंगे फॉर्मूला नहीं बताएंगे फॉर्मूला बेस्ड पर एक वीडियो अलग से होगा जिसमें पूरा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा जो दो और दो के पेपर प्री और मेन्स में आ चुका है वो हम लोग एक क्लास में डिस्कशन करेंगे पूरे एक घंटे का वीडियो होगा वो ठीक है तो एक्स की पावर फोर्थ तक का अगर मैं आपको ट्रिक बता दूँ तो उसके बाद आप x की पावर फाइव x की पावर सिक्स x की पावर सेवन x की पावर एट आप खुद निकाल लेंगे आप वीडियो के एंड तक बने रहिए आप देखिए मैं इसका ट्रिक कैसे बता रहा हूँ बात करते हैं माइनस वाले में माइनस वाले में क्या क्या चीज़ हो सकता है अगर स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा प्लस अभी आपको यह बात समझ में आएगा स्क्वायर में क्यों प्लस हो गया पीछे मैंने करवाया हुआ है अगर आप इवन ऑड का पावर जाके वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्यों बोला था अगर माइनस में दिया हुआ है पावर इवन हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का इसलिए यहाँ प्लस पूछा गया है ठीक है लेकिन अगर यही क्यों पूछेगा तो ये पूछा जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि पावर और हो गया फिर फोर पूछेगा तो एक्स की पावर फोर प्लस हो जाएगा वन अपॉन एक्स की पावर फोर यानी माइनस वाले में अल्टरनेट चलेगा एक बार आएगा प्लस एक बार आएगा माइनस फिर आएगा प्लस फिर पाँच में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है फिर सिक्स में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा फिर सेवन में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा फिर एट में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इस तरह से अल्टरनेट साइन चलता रहेगा क्योंकि इवन और मैंने बताया था कि माइनस की पावर में जब भी इवन नंबर होता है तो क्या आता है प्लस होता है और माइनस की पावर में जब भी और नंबर होता है तो माइनस होता है तो यही रीजन है कि माइनस वाले में हमने स्क्वायर निकालने में प्लस लिया क्यूब निकालने में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये सारा क्लियर होगा आज फिर फोर निकालने में क्या होगा फिर प्लस होगा फिर फाइव निकालने में फिर माइनस होगा सिक्स निकालने में फिर प्लस होगा सेवन निकालने में सिर्फ माइनस होगा फिर एट निकालने में क्या हो जाएगा प्लस इस तरह से आगे अगर नाइन में हम जाते हैं तो होगा क्या माइनस टेन में क्या होगा प्लस होगा तो आप पंद्रह बीस पच्चीस जितना भी पावर पूछता है आप खुद डिराइव कर सकते हैं हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से यहाँ से पहले शुरू करेंगे पहले प्लस वाले से आते हैं फिर आएंगे हम लोग माइनस वाले में ठीक है दोस्तों क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ़ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज्कल टू पाँच यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है फाइव दिया हुआ है आपको क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है इसी क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है अभी मैं इस लेवल इस पर भी जाऊँगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पर लगा दिया फिर फाइव अब देखिए दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है अगर पूछा जाए देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर एस एस सी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं पैटर्न बिल्कुल यही रहता है बस ये है कि यहाँ पर एक्स प्लस वन बाय एक्स था यहाँ पर क्या लगा दिया थ्री वेरिएबल लगा दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें और इसमें दोनों में सेम ही ट्रिक है क्वेश्चन बिल्कुल दोनों सेम है क्योंकि इसको अगर हम पूरे को एक्स मान लेते ही आ जाएगा ये हो जाएगा वन अपॉन में एक्स इजिकल टू हो गया फाइव यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है तो ये लेवल आपको मैं कराऊंगा इसके बाद तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो यहाँ पर टू था अब यहाँ पे क्या आ गया फाइव आ गया सिक्स माइनस फाइव माइनस सिक्स मतलब यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी नंबर हो टू के अलावा तो हम इसका क्या ट्रिक लगाएंगे कि क्वेश्चन बनेगा फास्ट तो पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब कभी भी आपको स्क्वायर निकालना हो ठीक है तो हम एक ट्रिक लगाएंगे क्या नंबर का स्क्वायर नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू ये ट्रिक हो गया स्क्वायर निकालने का कभी भी x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दिया हो ये दोनों के लिए सेम ट्रिक चलेगा x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दिया हो कुछ भी दो के अलावा कुछ भी दिया हो यहां पर स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए ठीक है तो आपको क्या करना है नंबर का स्क्वायर करना है तो हमारे पास नंबर कितना है फाइव ये मैं लिख देता हूँ ये आपका नंबर दिया हुआ है ठीक है तो स्क्वायर के लिए क्या ट्रिक होगा नंबर का स्क्वायर अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम यहां पे क्या लगाएंगे माइनस का टू बस रिवर्स साइन ध्यान रखना है अगर इधर प्लस है तो उधर लेना है माइनस अगर इधर माइनस है तो उधर क्या लेना है प्लस ये ऐसा क्यों होता है अभी इसको पूरा वेरीफाई करूंगा मैं तो पाँच का स्क्वायर कितना होगा पच्चीस पच्चीस में से दो चला गया आंसर इज तेईस ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फाइव का स्क्वायर माइनस का टू आपका आंसर आ गया ठीक है इस तरह से हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा नंबर का स्क्वायर ये ये जो अभी मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ ये पूरे अल्जबरा में जगह जगह ये काम करेगा स्क्वायर का ट्रिक क्यूब का ट्रिक फोर का फाइव का इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट को आप बढ़िया से देखेंगे इसमें नंबर का स्क्वायर तो टेन का स्क्वायर यहां पर किसका साइन है माइनस का ये कितना हो जाएगा प्लस का टू ठीक है ये कितना हो गया आंसर हंड्रेड प्लस टू आंसर इज वन जीरो टू तो ट्रिक क्या हुआ जब कभी भी स्क्वायर निकालना हो तो नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ हो जाएगा माइनस अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस ऐसा भी होता है कि यहाँ भी यहाँ प्लस का साइन है यहाँ माइनस हो जाता है यहाँ माइनस का साइन है यहाँ प्लस हो जाता है या यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस होगा वो अगला लेवल है ओके okay? अब ऐसा क्या किए कि ये ट्रिक आया तो ट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा इन दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा ये कैसे समझेंगे तो एक्स प्लस वन वैल्यू दिया हुआ है फाइव अच्छा इसको देख के तो हम समझ ही सकते हैं कि ये x है और यहां पर क्या है स्क्वायर किया है इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ करेंगे वर्क ये लेंदी मेथड है ये आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए लेंदी का मतलब फार्मूला पता होना चाहिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस होता है टू ए बी ठीक है तो ये देखिए ए स्क्वायर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस हो गया बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इन टू ए इंटू बी इधर कितना हो गया फाइव का स्क्वायर इसको हम स्क्वायर अभी करेंगे नहीं क्योंकि ये ट्रिक आपको ला दिखाएंगे ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस टू इजकअल टू तो कितना हो गया फाइव का स्क्वायर ठीक है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज्क्ल टू तो फाइव का स्क्वायर और ये साइन जब इधर आएगा प्लस का टू जब राइट साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस का टू तो ये हो जाएगा पच्चीस में से दो चला गया तब आएगा आंसर कितना ट्वेंटी थ्री यानी गाने का मतलब ये हुआ अगर आप लेंदी मेथड बनाते हैं तो आपको चार पांच लाइन लिखना पड़ेगा और ट्रिक में क्या है डायरेक्ट नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू शॉर्टकट तरीका स्क्वायर निकालने के लिए ये एक ट्रिक आपको याद रखना है इस तरीके से क्यूब निकालने के लिए एक ट्रिक याद रखना है बस स्क्वायर और क्यूब होगा उसी को कम्बाइंड करते जाएंगे तो पावर फोर निकलेगा पावर फाइव निकलेगा ठीक है इसी तरीके से इसको फिर क्या करना पड़ेगा मुझे ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका टेन का स्क्वायर अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस टू ए बी ओके और ये हो जाएगा टेन का स्क्वायर ये इसे क्या हो गया कैंसिल हो गया ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का टू इक्वल टू क्या हो गया टेन का स्क्वायर ये माइनस का टू सेट जाएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर टू टेन का स्क्वायर प्लस का टू आंसर इज हंड्रेड प्लस टू तब आएगा वन जीरो टू मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको एक भी फार्मूला याद न करना पड़े पूरा कोशिश रहेगा लेकिन जब हाई लेवल क्वेश्चन में आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ फार्मूला थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा उस फार्मूला को भी हम ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे ठीक है फिलहाल ये इसका कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको इतना यूज नहीं करना है आपको जब कभी भी स्क्वायर निकालना हो तो नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस माइनस कैसे लेंगे अगर यहाँ प्लस का साइन है तो उधर हो जाएगा माइनस और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ठीक है देखते हैं इसका एक दो क्वेश्चन और चलिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने कुछ क्वेश्चन में चेंजिंग किया है क्या यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखा था सिर्फ x प्लस वन अपॉउंड में एक्स इजकल टू सेवन मैं आपको सिर्फ इसलिए क्वेश्चन चेंज करना चाहता हूं कि अगर एग्जाम में कभी भी इस टाइप का पैटर्न हो आजकल इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहा है एक्स प्लस वाई दे दिया थ्री वेरिएबल हो सकता है फोर वेरिएबल दे दे एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी ठीक है बस ये ध्यान रखना है कि ये और ये सेम होना चाहिए अगर ये सेम है इसका मतलब क्वेश्चन तो वही है अगर हम इस पूरे को एक्स मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू सेवन प्रीवियस क्वेश्चन बन जाएगा और मुझे okay. यहाँ पर फिर पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपाउट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कहने का मतलब ये है ट्रिक वही चलेगा कौन सा नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू इस पूरे क्वेश्चन में यही ट्रिक है अभी मैंने सिर्फ स्क्वायर का लिया है इसके बाद आने वाले हैं क्यूब निकालने के लिए तो आते हैं नंबर का स्क्वायर ये हो जाएगा सेवन का स्क्वायर ओके okay? यहाँ पर किसका साइन है प्लस का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का टू आंसर इज फोर्टी नाइन माइनस टू फोर्टी सेवन यानी कि वेरिएबल कुछ भी हो ट्रिक एक ही काम करेगा ठीक है अगला क्वेश्चन एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड इजल टू कितना लिखा हुआ है एट यहाँ भी आपको क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है ये वेरिएबल ये वेरिएबल इक्वल है ये वेरिएबल ये वेरिएबल इक्वल है ये दोनों जब इक्वल होगा तो ट्रिक काम करेगा अगर इसमें कोई एक अनइक्वल हो गया फिर वो एक अलग पैटर्न है जो अगली क्लास में होगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे ट्रिक सेम नंबर का स्क्वायर यहाँ पर किसका साइन है प्लस का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का टू आंसर आपका हो जाएगा सिक्सटी फोर माइनस टू आंसर इज सिक्सटी टू ठीक है लेकिन यहाँ पर किसका साइन दिया हुआ है माइनस का इफ ए माइनस बी सॉरी ए प्लस बी माइनस वन अपॉन में ए प्लस बी इजिकल टू कितना ट्वेल्व ये बीच में किसका साइन है माइनस का ये तो कन्फर्म है उधर जाके क्या होगा प्लस का टू होगा यहां पर आपको पूछ रहा है स्क्वायर तो हम क्या लगाएंगे नंबर का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका ट्वेल्व का स्क्वायर ठीक है यहां पर किसका साइन है माइनस का तो यहां पर क्या लेंगे प्लस का टू तो कितना होगा एक सौ चौवालीस और प्लस हो जाएगा दो ये हो जाएगा वन फोर्टी सिक्स ठीक है तो ये हो गया आपका एक्स प्लस वन बाय एक्स इजिकल टू कुछ भी दिया होगा स्क्वायर निकालने का ट्रिक अगर माइनस में होगा तो मैंने बता दिया आपको प्लस में होगा तो बता दिया ट्रिक एक ही है यहां पर नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू अब इसके बाद आने वाला है क्यूब निकालने का ट्रिक चलिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है क्यूब निकालने के लिए कि इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इजिकल टू तो कितना दिया हुआ है सेवन आपको निकालना क्या है देन पावर थ्री प्लस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री एक हमने लिया है प्लस का एक लिया है माइनस का ठीक है इसको कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले ट्रिक बताते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे इस क्यूब निकालना स्क्वायर के लिए हमने बताया था नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू क्यूब के लिए क्या होगा नंबर्स की पावर थ्री ठीक है क्योंकि पावर क्या निकालना है तीन तो नंबर्स की पावर तीन प्लस माइनस थ्री इंटू में नंबर ये आपको क्यूब का ट्रिक याद रखना है ठीक है लास्ट में मैं पूरा ट्रिक एक बार लिखूंगा स्क्वायर निकालने के लिए हमने पीछे बताया था नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू ठीक है क्यूब निकालने के लिए क्या होगा नंबर्स की पावर थ्री प्लस माइनस प्लस माइनस वही सिस्टम है अगर यहाँ पे प्लस है तो वहां पे लेना है माइनस रिवर्स साइन रहेगा यहाँ पे माइनस है तो वहां पे क्या लेंगे प्लस तीन को नंबर से गुना करना पड़ेगा चलिए शुरू करते हैं ये हो जाएगा आपका कितना सेवन की पावर थ्री यहाँ पर किसका साइन है प्लस का तो ये क्या हो जाएगा माइनस थ्री इंटू में सेवन ठीक है नंबर आपका है सेवन सॉल्व कर देंगे सेवन की पावर थ्री होता है थ्री फोर थ्री माइनस कितना हो गया इक्कीस आंसर इज थ्री ट्वेंटी टू ठीक है और वैसे अगर नॉर्मली बनाएंगे तो अभी बताता हूं मैं ए प्लस बी का होल क्यूब करना पड़ेगा दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा तब आएगा ये वैल्यू अगला क्वेश्चन फिर वही है एक्स माइनस वन बाई एक्स इज टू एट एक्स की पावर क्यूब माइनस वन अबाउट में एक्स की पावर क्यूब का वैल्यू क्या होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा नंबर की पावर थ्री ठीक है यहाँ पर किसका साइन है माइनस का तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस तीन गुने में नंबर लिखा हुआ है थ्री इन में नंबर ये हो जाएगा आपका एट की पावर थ्री होता है फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व एट एट या सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर एट या कितना फाइव हंड्रेड ट्वेल्व प्लस ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर आंसर हो जाएगा चार और दो छः थ्री फाइव थर्टी सिक्स ओके okay, तो इसका मतलब ये हुआ नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर का ट्रिक हो गया एक बार मैं पीछे का ट्रिक लिखता हूँ मैं नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू ये हो गया किसका ट्रिक स्क्वायर का ठीक है और नंबर की पावर थ्री प्लस माइनस थ्री इंटू में नंबर ये किसका ट्रिक हो गया क्यूब का ट्रिक अच्छा अभी आपको ये लग रहा होगा कि इतना आसान क्वेश्चन है इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में आता है अभी तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ जैसे एक एक कल के पहले पैटर्न में आपको क्लियर कर रहा हूँ ये सब मिक्स होकर क्वेश्चन आता है जब मिक्स क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्वेश्चन होगा सॉल्व करना है आपको एक ही क्वेश्चन में आपको स्क्वायर और क्यूब लगा देगा जैसे कि मैं ये क्वेश्चन आपको लिख के पहले बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा आता कैसे है ये देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है कि इफ एक्स प्लस वन बाय एक्स इजिकल टू थ्री देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसको जब बनाने के लिए बैठा जाए तो कम से कम बीस मिनट आधा घंटा बर्बाद होगा देन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर फाइव वन अपॉन एक्स टू दी पावर फोर वन अपॉन एक्स टू पावर थ्री वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स इज गल टू क्या होगा अब ये क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन एक्स प्लस वन बाय एक्स के वैल्यू थ्री दिया हुआ है अभी मैं क्यों क्लियर कर रहा हूँ हर एक चीज स्क्वायर निकालना क्यूब निकालना मैंने क्यों बोला था कि एक्स की पावर एट तक बताएंगे क्योंकि ये इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आप देखो यहाँ पर क्या है एक्स प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन में थ्री दिया हुआ है हम यहाँ से क्या करेंगे पहले ग्रुपिंग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन्ट एक्स स्क्वायर हमने अभी आपको ट्रिक बताया है उस पर निकल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन्ट एक्स क्यूब ट्रिक बताया है अभी उस पर निकल जाएगा अभी जैसे ही फोर का बताएंगे और फाइव का बताएंगे हो गया तो यानी कहने का मतलब एक एक सेकेंड भी अगर देखा जाए तो पाँच सेकंड में क्वेश्चन बन जाएगा एक सेकेंड ये एक सेकेंड स्क्वायर एक सेकंड क्यूब एक सेकंड फोर एक सेकंड फाइव पांच सेकंड का क्वेश्चन फिर भी बन के आ जाएगा ठीक है तो इसीलिए आपको पहले क्या करना है पावर एट तक या पावर फाइव तक तो मिनिमम याद करना ही पड़ेगा आपको ट्रिक यहां तक का ट्रिक आपको पहले समझना है क्वेश्चन एग्जैक्ट ये आता है एग्जाम में ऐसा नहीं है कि ये पूछेगा कि एक्स माइनस वन बाई एक्स इजिकल टू एट तो एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब यह सब बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया पैटर्न ये है एग्जाम में आजकल अपडेटेड क्वेश्चन है इस टाइप से क्वेश्चन आता है ठीक है तो अभी आते हैं क्यूब का एक दो एग्जाम्पल और देखते है, हैं आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ एक्स प्लस हुआ है प्लस वन अपाउंट में एक्स प्लस वाई इजकल टू कितना फोर आपको क्या निकालना है क्यूब निकालना है आपको इसको देख के डरने की जरूरत नहीं है ये पूरा एक्स अगर हम मान लेते हैं और ये भी अगर हम एक्स मान लेते हैं मतलब ये पैटर्न चेंज किया हुआ है बस अगर इस पूरे को हम एक्स मान लें या पी मान लें कुछ भी मान लेते हैं पी प्लस वन अपाउंट में पी इजकल टू कितना फोर तो क्वेश्चन का पैटर्न प्रीवियस बन गया देन आपको क्या बोल रहा है निकालने के लिए पी की पावर थ्री प्लस वन अपाउंट में पी की पावर थ्री ट्रिक तो वही रहेगा जो मैंने आपको ट्रिक लिखाया है नंबर्स की पावर थ्री प्लस माइनस थ्री इंटू में नंबर ठीक है तो मैं इसको जरा मिटा रहा हूँ और यहाँ पे लगाते हैं ट्रिक नंबर्स की पावर थ्री फोर की पावर थ्री ठीक है यहाँ पर किसका साइन है प्लस का तो यहाँ पर क्या होगा माइनस का थ्री इंटू में क्या होगा नंबर आंसर इज सिक्सटी फोर माइनस ट्वेल्व फिफ्टी टू इसका क्या हो गया आंसर हो गया ये तो मैं इतना कर रहा हूँ आपको मेंटली करना है फोर की पावर थ्री सिक्सटी फोर माइनस ट्वेल्व ठीक है फिफ्टी टू हो जाएगा लिखना ही नहीं पड़ेगा जैसे इसको सॉल्व करना है प्लस है तो दस की पावर तीन कितना एक हज़ार में से कितना माइनस करना है तीस माइनस करना है नाइन सेवनटी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये रहा टेन टू दी पावर थ्री यहाँ पर किसका साइन है प्लस का तो वहां पर क्या लेंगे माइनस का थ्री इंटू में कितना हो जाएगा टेन वन थाउजेंड माइनस कितना हो गया थर्टी आंसर इज नाइन सेवेंटी ठीक है अब यहां पे किसका साइन है माइनस का तो उधर जाके क्या होगा प्लस होगा यहां पे लगाएंगे ट्रिक तो क्या होगा एलेवन की पावर थ्री एलेवन का नंबर्स की पावर थ्री ठीक है माइनस है तो वहां पर क्या लेंगे हम प्लस थ्री इंटू में नंबर एलेवन का क्यूब होता है वन थ्री थ्री वन क्यूब कम से कम थर्टी तक आपको याद करना पड़ेगा तभी थोड़ा सा स्पीड आएगा क्वेश्चन में एलेवन का क्यूब वन थ्री थ्री वन प्लस हो गया आपका कितना थर्टी थ्री इसको सॉल्व करने पे आएगा कितना वन थ्री सिक्स फोर ठीक है दोस्तों तो कहने का मीन्स ये हुआ कि अगर पैटर्न किसी भी कंडीशन में दिया हो यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल दिया हो दो वेरिएबल तीन वेरिएबल प्लस का साइन हो सब में माइनस का साइन लग जाए आपको सिर्फ क्या देखना है कि इसका क्यूब निकालना है या इसका स्क्वायर निकालना है इसमें मैं अभी क्वेश्चन को पैटर्न चेंज करूंगा अब यहाँ पर क्यूब है अब मैं यहाँ दूंगा क्यूब और वहाँ पर होगा नाइन ठीक है तब ये कैसे बनेगा जरा आते हैं इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किस टू दी पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर सिक्सल टू एट ठीक है आपको क्या पूछ रहा है एक्स टू दी पावर एटीन ये बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन है एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन ठीक है आपको जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है आप सबसे पहले क्या करना आप ये देखना कि ये इसका मल्टीपल है कि नहीं तो ये इसका मल्टीपल कितनी बार है जैसे ही मल्टीपल आप देखोगे तो आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ ये इसका मल्टीपल कितनी बार तीन बार तीन बार का मल्टीपल हो गया अगर ये तीन बार है तो इसका मतलब ट्रिक कौन सा काम करेगा क्यूब वाला जो मैंने लिखाया था आपको है ना ये देखिए सेवन सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन थ्री का मल्टीपल है क्यूब का ट्रिक चलेगा क्योंकि अगर हम x की पावर सेवन लिखें इसको क्यूब कर दें है ना तो सेवन थ्री जा कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन यानी x की पावर ये हो जाएगा ट्वेंटी वन तो सिर्फ क्या करता है यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए देता है अब बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं नंबर सोच रहा है कोई ऐसा नंबर पुट करे कि टेन आ जाए आएगा नहीं कोई ऐसा दुनिया में नंबर नहीं है जो यहाँ पुट करने पर टैन आ जाएगा इसीलिए वो या तो इसका स्क्वायर देता है या इसका क्यूब देगा या इसका फोर टाइम्स एस फाइव टाइम्स जो आपको ट्रिक मैं बता रहा हूँ ठीक है ये टेन के टेबल में कितनी बार में आता है दो बार में दो बार का मतलब स्क्वायर का ट्रिक काम करेगा ये अठारह के टेबल में कितनी बार में आता है तीन बार में तीन बार का मतलब क्यूब का ट्रिक काम करेगा ठीक है अगर दो बार आ रहा है तो स्क्वायर का ट्रिक तीन बार के टेबल में आता है इसका मतलब क्यूब का ट्रिक फोर टाइम्स आएगा अगर यहाँ पर सेवेंटी हो जाए इसका मतलब एक्स की पावर फोर निकालना है मुझे तो ट्रिक वही काम करेगा एक्स टू दावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स टू दावर सिक्स इजिकल टू एट ठीक है एक्स की पावर एटीन ये इसके टेबल में थ्री टाइम्स में आता है इसका मतलब ट्रिक क्या लगेगा नंबर की पावर थ्री जो मैंने क्यूब का ट्रिक आपको बताया था प्लस माइनस थ्री इंटू में नंबर ठीक है नंबर मेरा कितना दिया हुआ है एट तो एट की पावर थ्री यहाँ पर किसका साइन है प्लस का तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस थ्री इंटू में हो गया एट यानी कि पाँच सौ बारह और माइनस कितना हो गया चौबीस ट्वेल्व में से फोर चला जाएगा तो एट होगा ये हो जाएगा टेन टेन में से टू चला गया कितना एट आंसर इज़ फोर एटी एट क्लियर तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर ये इसका मल्टीपल टू टाइम्स थ्री टाइम्स हाँ दिक्कत तब होगा जब यहाँ पे दिया है सिक्स और यहाँ पे दे दे सेवनटीन वो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है सारा टाइप है टाइप वाइज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि बेसिक से लेकर के धीरे धीरे लेवल ले, 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 ले जाऊँगा मैं आपको ओके सेवन के टेबल में कितनी बार में आता है ये थ्री टाइम्स में आता है इसका मतलब क्यूब का ट्रिक काम करेगा तो यहाँ पर क्या लगेगा नंबर की पावर थ्री ठीक है यहाँ पर है किसका साइन माइनस का तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस तीन गुने में क्या होगा नंबर नंबर तो number की पावर थ्री मतलब टेन की पावर थ्री हो जाएगा प्लस तीन गुने में नंबर कितना दिया हुआ है टेन आंसर कितना हो वन थाउजेंड प्लस हो जाएगा थर्टी वन जीरो थ्री जीरो इसका हो जाएगा आंसर ओके अगला है एक्स प्लस वाई होल टू पावर टेन प्लस वन में एक्स प्लस वाई होल टू पावर टेन इज टू कितना टेन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई की पावर 20 जैसे बोल रहा है ट्वेंटी तो आप ये देखो कितनी बार में आता है इसके टेबल में दो बार में दो बार का मतलब स्क्वायर का ट्रिक काम करेगा ठीक है तीन बार का मतलब क्यूब का ट्रिक काम करेगा तो यहां पे लगेगा स्क्वायर तो स्क्वायर का ट्रिक हमने पीछे बताया हुआ है कि नंबर की पावर टू यानी नंबर का स्क्वायर और प्लस माइनस तो यहां पे है प्लस तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस का टू स्क्वायर वाले में सिर्फ माइनस टू होता है तो आंसर कितना हो जाएगा यहां टेन का स्क्वायर और माइनस कितना हो गया टू आंसर इज हंड्रेड हंड्रेड में से टू चला गया नाइन्टी एट इसका क्या हो गया आंसर हो गया ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ एक्स माइनस वाई माइनस जेड होल टू द पावर एटीन प्लस वन अपॉन में एक्स माइनस वाई माइनस जेड होल टू द पावर एटीन इजल टू सिक्स अब आपको सीधे पहले ये देखना है कि अठारह टेबल में कितनी बार में आता है तीन बार में आता है एटीन थ्री या फिफ्टी फोर इसका मतलब क्यूब का ट्रिक लगेगा तो क्यूब का ट्रिक लगाएंगे हम यहाँ पे क्या होगा नंबर्स की पावर थ्री यहाँ पर किसका साइन है प्लस का तो वहाँ पर क्या होगा माइनस तीन गुने में क्या नंबर चलिए तो नंबर्स की पावर थ्री का मतलब सिक्स की पावर हो जाएगा थ्री सिक्स की क्यूब माइनस तीन गुने में होगा छः सिक्स की राय दो सौ सोलह में से चला गया अठारह आंसर इज सोलह में से आठ गया तो होगा आठ या ये बचा आपका जीरो ये हो जाएगा आपका नाइन ये हो जाएगा आपका वन वन नाइनटी एट इज आंसर तो पैटर्न तो वही है पैटर्न वही है स्क्वायर निकालना क्यूब निकालना बस क्या किया यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया यहाँ पर पूछने वाला भी चेंज कर दिया ठीक है डायरेक्टली कभी नहीं पूछता है ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट कभी नहीं पूछता है कि x प्लस वन बाई एक्स इजकल टू टेन तो आप ये बता दो x की पावर थ्री प्लस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री पूछा जाता है ये बेसिक लेवल जब डी एस एस पी वगैरह का एग्जाम होता है उसमें ये भी पूछा जाता है लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर लगा देगा टू तो जीरो थ्री अब यहाँ भी लगा दिया ऐसा एक्स की पावर टू जीरो थ्री प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर टू जीरो थ्री इजकल टू यहाँ पर दे देगा आपको टेन तब तो यहाँ क्या बोलेगा एक्स की पावर अब इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया वो तो थ्री से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा ये सिक्स जीरो नाइन प्लस वन अपन में एक्स टू दी पावर सिक्स जीरो नाइन इजकल टू क्या अब स्टूडेंट क्या कर रहा है ये क्वेश्चन देख के घबरा रहा है कि ये टू जीरो थ्री तो सर ने कराया नहीं था आपको क्या करना है सबसे पहले इसका मल्टीपल पढ़ना है क्योंकि ट्रिक तो कन्फर्म है ट्रिक से ही क्वेश्चन बनता है आपको पहले ट्रिक समझना पड़ेगा जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है आप पहले ट्रिक में दिमाग लगाओ कि ट्रिक इसका क्या होगा तो इसका मल्टीपल कितना है थ्री टाइम्स है थ्री टाइम्स का मतलब क्यूब का ट्रिक चलेगा नंबर्स की पावर थ्री यानी दस की पावर तीन मैंने कहीं बताया हुआ है ये रहा यही इसका आंसर होगा सेम बस यहां पे प्लस है यहां पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलते हैं इसका क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट चलिए आपके सामने क्वेश्चन है कि इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इजगल टू थ्री देन एक्स की पावर क्या है फोर है एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन्ट एक्स टू दी पावर फोर फिर यहां पर क्या दिया हुआ है इफ ए माइनस वन बाय ए इजगल टू कितना फोर देन ए टू दी एक्स टू दी पावर फोर यहाँ पर ए टू दी पावर फोर लगा देते हैं यहां पर एक्स कर देते हैं एक्स और माइनस वन बाय एक्स ठीक है ये क्या हो गया एक्स टू दावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू दी पावर फोर अभी तक हमने क्या क्या बात किया एक्स प्लस वन बाय एक्स दिया हुआ था तो मैंने आपको क्या क्या निकालना बताया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर निकालना बताया फिर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन में एक्स क्यूब निकालना बताया अब क्या बता रहे हैं एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर ठीक है x माइनस वन बाय एक्स दिया हुआ था तो मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा जो मैंने पीछे बात किया था फिर मैंने बताया था x की पावर क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स की पावर क्यूब कैसे निकाला जाएगा फिर मैंने आपको बताया था कि x की पावर फोर अभी मैं बात करूंगा ये तो यानी कि आपको इस वीडियो में यहाँ तक का बात होगा इसके बाद एक्स की पावर फाइव एक्स की पावर सिक्स इसके बारे में बात कर रहे हैं एक्स की पावर फाइव प्लस माइनस दोनों एक्स की पावर सिक्स प्लस माइनस दोनों x की पावर सेवन प्लस माइनस x की पावर सेवन x की पावर एट प्लस माइनस x की पावर एट इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको x की पावर फाइव से लेकर x x की पावर एट तक का आपको मिलेगा इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना है क्योंकि जब तक ये x की पावर टू से लेकर के x की पावर एट तक का ट्रिक आपको पूरा का पूरा कन्फर्म नहीं होगा तो हर एक क्वेश्चन में आप बार बार फंसोगे ठीक है इसीलिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट प्लस माइनस दोनों ठीक है ये पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए उसके बाद आएगा इसका मिक्सअप क्वेश्चन ओके तो आते हैं x की पावर फोर निकालने के लिए हम इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे अच्छा आप मुझे ये बताएंगे कि x प्लस वन बाय एक्स निकल तो थ्री दिया हुआ है तो फोर तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं मुझे क्या करना पड़ेगा पहले मैं इसका जरा कॉन्सेप्ट बता देता हूं पहले मुझे क्या करना पड़ेगा इसका स्क्वायरिंग बहुत सारी करना पड़ेगा एक बार स्क्वायर निकालना पड़ेगा है ना एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर तो हो जाएगा थ्री का स्क्वायर जो लेंथी मेथड है ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ए आपका ये रहा बी आपका ये रहा ये ही से कटेगा नाइन ठीक है ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर इसका टू तो क्या होगा नाइन माइनस टू तब जाके आएगा सेवन ये तो अभी सिर्फ स्क्वायर निकला है अगर हम इस स्क्वायर को स्क्वायर कर दें अब अगर हम इसको फिर स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब फोर निकल जाएगा है ना जैसे कहने का मतलब एक्स है इसका स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर किए तो एक्स की पावर फोर फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर कितना एट इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर सिक्सटीन यानी कहने का मतलब दो का मल्टीपल आप जितना मर्जी एक ही ट्रिक से निकल सकता है कौन सा ट्रिक वही नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू आप ये ध्यान रखना कि अगर दो का मल्टीपल निकालना है तो स्क्वायर का ट्रिक चलेगा तीन का मल्टीपल तो मतलब ट्रिक, तो ट्रिक को दो बार अप्लाई करना है क्योंकि मुझे यहां से यहां आना है तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा ठीक है जैसे अगर मैं क्वेश्चन है आपको क्या करना है यहां आना है तो आप पहले क्या निकालोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर निकालोगे फिर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे एक्स की पावर फोर प्लस वन अपन एक्स की पावर फोर तब जाके आएगा अगर एक्स की पावर एट निकालने की बात किया जाए तो फिर इसका फिर स्क्वायर करना पड़ेगा तब जाएगा एक्स की पावर एट प्लस वन अपन एक्स की पावर एट है ना तो आपको यह ध्यान रखना है कि एक्स की पावर फोर में टू का मल्टीपल कितनी बार तो दो बार यानी कि वन टू जा तो, टू 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 जा फोर है ना क्योंकि तो इसका पावर वन है तो वन को टू से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर निकल गया फिर इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा पावर फोर निकलेगा तो हम अब क्या करेंगे इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एक्स की पावर फोर क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर तो वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस टू इंटू ए एक्स स्क्वायर इंटू बी वन अपन एक्स स्क्वायर तब क्या होगा सेवन का स्क्वायर ओके okay? फिर ये ऐसे कटेगा फिर उधर टू माइनस होगा यानी आंसर हो जाएगा कितना फोर्टी नाइन और माइनस का टू तब आएगा फोर्टी सेवन अब आप ये देखिए अगर आपको एक्स की पावर एग्जाम में एट पूछ दिया तो ये एक पेज मजा आएगा क्योंकि स्क्वायर निकला फिर फोर निकला फिर क्या निकलेगा एट निकलेगा तो एक पेज पूरा लेगा ये अब हम क्या कर रहे हैं इसी को डायरेक्ट ट्रिक लगा रहे हैं आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि एक्स प्लस वन बाय एक्स से एक्स की पावर फोर तक मुझे आना है इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा तो क्या होगा नंबर का स्क्वायर नंबर का स्क्वायर प्लस है तो माइनस का टू ये क्या निकल गया मेरा सेवन ये क्या निकला एक्स स्क्वायर निकल गया ओके okay? अब फिर क्या करना है यहां पर मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकल गया अब फिर क्या करना है नंबर का स्क्वायर फिर माइनस टू यानी कि जो रिजल्ट आया है उसका स्क्वायर माइनस टू तो कितना होगा 49 और माइनस का टू तब तो आएगा 47 तो आपको उतना नहीं करना पड़ेगा अब मैं इसका ट्रिक बताता हूँ क्या एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन में एक्स की पावर फोर तो क्या होगा नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू ठीक है फिर जो इसका रिजल्ट आएगा फिर रिजल्ट का स्क्वायर और फिर प्लस माइनस टू बस दो बार आपको क्या करना है ट्रिक लगाना है नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू जो इसका रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर फिर प्लस माइनस टू ओके तो आपका क्या होगा एक्स की पावर फोर मेंटली निकल जाता है थ्री का स्क्वायर माइनस टू नाइन में से टू गया सेवन फिर सेवन का स्क्वायर फिर माइनस टू यानी कि फोर्टी फाइव हो गया डायरेक्ट आंसर ओके आते हैं माइनस वाले को देखते हैं माइनस वाले में भी सेम करना पड़ेगा बस यहां पर एक कंफ्यूजन होगा उसको मैं जरा क्लियर करूंगा पहले क्या होगा नंबर का स्क्वायर तो चार का स्क्वायर हम पहले स्क्वायर निकल रहे हैं ठीक है यहां पर किसका साइन है माइनस का तो यहां पर क्या होगा प्लस का टू तो कितना हो जाएगा ये सोलह प्लस दो आंसर इज अठारह ये क्या निकला है एक्स स्क्वायर ये जो मेरा निकला है ये निकला है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्योंकि आपको मैंने बताया था कि अगर एक्स माइनस वन बाय एक्स का वैल्यू फोर दिया हुआ है तो इससे निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्योंकि पावर इवन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस तो क्या आया मेरा अठारह ठीक है अब मुझे इसका स्क्वायर करना इसक है तो माइनस वाले में क्या होता है पहली बार तो प्लस होता है क्योंकि हमने यहाँ पर पहली बार क्या किया है प्लस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है माइनस का इसलिए हमने क्या किया प्लस लेकिन अब जब इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा एटीन का स्क्वायर अब होगा क्या माइनस का टू तीन सौ चौबीस में से दो चला जाएगा तीन सौ बाईस आपको ये अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि पहली बार प्लस क्यों हो गया दूसरी बार माइनस क्यों हो गया तो पहली बार प्लस इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चन में क्या था माइनस था अब अगर x की पावर फोर निकालना है तो दूसरी बार यहाँ पे माइनस होगा x की पावर एट निकालना है फिर अब लगातार माइनस ही चलता जाएगा क्योंकि ये जो वैल्यू आया है ये आ गया किसका x की पावर फोर प्लस अगर इधर प्लस है तो अब इसका जो स्क्वायर होगा तो उधर जाके फिर क्या होगा माइनस होगा तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें इसमें कुछ नहीं है जितना भी निकालना होगा सब में माइनस ही होगा क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में क्या है प्लस का साइन है लेकिन यहाँ पर किसका साइन था माइनस का तो इसीलिए माइनस जब होगा तो पहली बार करेंगे प्लस और बाकी बार क्या होगा माइनस होगा इसका मैं कुछ और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर टेन प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर टेन इजल टू कितना दिया हुआ है फाइव आपको क्या पूछ रहा है फोर्टी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप ये देखो कि इसका मल्टीपल कितनी बार है चार बार है चार बार का मतलब मुझे यही ट्रिक निकालना है एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर ये ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ है क्या दो बार इसको क्या करना है स्क्वायर माइनस टू तो पहली बार करेंगे नंबर का स्क्वायर माइनस का टू ये कितना हो गया ट्वेंटी फाइव माइनस टू कितना आ गया ट्वेंटी थ्री है ना ये जो निकाले हैं पहली बार ये क्या निकला है एक्स ये निकला है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर का वैल्यू है ना अब ये यानी कहने का मतलब ये बीस का वैल्यू निकला है दस का डबल कितना बीस का वैल्यू ये निकला है क्लियर अब बीस का अगर डबल करेंगे तो क्या होगा चालीस का वैल्यू निकल जाएगा तो अब मैं क्या करूंगा इसको डायरेक्ट फिर रिजल्ट का स्क्वायर नंबर का स्क्वायर माइनस टू हो गया अब रिजल्ट कितना आया ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर माइनस का टू कितना हो जाएगा ये ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर होता है फाइव ट्वेंटी नाइन ठीक है माइनस का टू आंसर इज फाइव ट्वेंटी सेवन तो यानी कहने का मतलब ये हुआ जब कभी भी आपको x x प्लस वन बाय एक्स का वैल्यू दिया हो और पावर फोर निकालना हो तो नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू फिर रिजल्ट का स्क्वायर फिर प्लस माइनस टू याद रहेगा नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस टू यहां प्लस है इसलिए हमने क्या किया है माइनस किया है ठीक है और फिर जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर फिर क्या करना है माइनस का टू ओके okay? आते हैं माइनस वाले में एट का मल्टीपल कितनी बार है ये चार बार है चार बार का मतलब कंफर्म है कि एक्स की पावर फोर का ट्रिक लगेगा ओके okay? तो सबसे पहली बार क्या करेंगे नंबर का स्क्वायर और मैंने आपको बताया था माइनस वाले में पहली बार होगा प्लस क्योंकि यहां पर है माइनस तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस का टू तो कितना हो जाएगा ये चार का स्क्वायर हो गया सोलह सोलह प्लस दो हो गया कितना अठारह अब रिजल्ट आ गया अठारह अब अठारह का स्क्वायर अब यहाँ पर होगा माइनस का टू माइनस क्यों क्योंकि तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो वो निकलेगा कितना सिक्सटीन और सिक्सटीन हो जाएगा प्लस का ये जो वैल्यू आया है ये मेरा निकला एक्चुअली x की पावर 16 और प्लस वन अपॉन में x की पावर 16 x हमने लिखा है समझने के लिए एक्चुअली क्वेश्चन में क्या है a प्लस बी माइनस सी की पावर 16 यहाँ पर आएगा a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी माइनस सी की पावर सिक्सटीन प्लस वन अपॉन में ए प्लस बी माइनस सी की पावर सिक्सटीन का वैल्यू आएगा ये अब इस यहाँ पे किसका साइन आ गया प्लस का तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का तो बस माइनस वाले में ध्यान रखना है पहली बार होगा प्लस और आगे जितनी बार भी निकालेंगे वो क्या होगा माइनस होगा तो अठारह का स्क्वायर कितना होगा तीन सौ चौबीस में से दो माइनस हो जाएगा आंसर इज तीन सौ बाईस यानी आपको जो भी काम करना है वो दो लाइन में काम करना है कोई मेथड नहीं लिखना है कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है कोई लेंदी मेथड नहीं जाना है ट्रिक आपको याद रखना है स्क्वायर हो गया क्यूब हो गया और फोर हो गया ठीक है इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा एक्स की पावर फाइव एक्स की पावर सिक्स प्लस माइनस दोनों बात करेंगे एक्स की पावर सेवन और एक्स की पावर एट एट तक का पावर आप ज़रूर याद करके जाए ताकि एग्ज़ाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन आएगा तो फिर उसके बाद जितने भी टैप मैंने कराया है स्क्वायर से लेकर के एट तक का सब का आएगा मिक्सअप क्वेश्चन ठीक है अभी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में आप उसको बना के रखेंगे और मुझे जो कमेंट बॉक्स है उसमें उसका आंसर जरूर आप लिख के भेजना या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं ठीक है तो मैं पांच छह क्वेश्चन आपको दे देता हूं जो आप सॉल्व करके मुझे आपको बताना है ठीक है दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पांच क्वेश्चन ठीक है जितने भी टाइप मैंने आपको कराया है स्क्वायर निकालना क्यूब निकालना फोर निकालना अभी तक हमने ये कराया आपको उसके बेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या मेरे व्हाट्सएप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हो रहा है उस पर आप जरूर बताएं ठीक है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ठीक है धन्यवाद